स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम डिस्कस करेंगे DSSB पार्ट ए के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आज हम पर्टिकुलरली इंग्लिश के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे हमें जो सेंटेंस दिया हुआ है, इसकी ऑप्शन में से हमें इनडायरेक्ट फॉर्म को चूज करना है। तो यहाँ पे हमारा जो सेंटेंस है वो है, ही सेड आई हैव पास द एग्जामिनेशन। यहाँ पे चार ऑप्शंस हैं, ही सेड दैट ही हैड पास द एग्जामिनेशन, ही टोल्ड दैट आई हैव पास्ड, ही सेड ही मस्ट हैव पास द एग्जामिनेशन, या फिर ही इन्फॉर्म्ड अस ऑफ हिज पासिंग। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, विच इज ही सेड दैट ही हैड पास द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे हमें पता है कि जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हमें यहाँ पे कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। तो उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे ही सेड दैट ही हैड पास द एग्जामिनेशन, हैव की जगह यहाँ पे हैड हो जाएगा, यानी कि पास्ट फॉर्म यहाँ पे आ जाती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड कंटामिनेट। कंटामिनेट वर्ड का करेक्ट सिनोनिम हमें चूज करना है। यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, डिफाइल, रिहैबिलिट, डिटैच, वैलिड। तो कंटामिनेट का मतलब होता है किसी चीज़ को खराब कर देना, है ना, किसी चीज़ को इम्प्योर बना देना, उसी को तो बोलते हैं कंटामिनेट कर देना। तो यहाँ पर चार ऑप्शंस हैं, डिफाइल कर देना, रिहैबिलिट, डिटैच, वैलिड। देखिए, रिहैबिलिट का मतलब होता है किसी को दोबारा से बसाना वहाँ पे, रिहैबिलिटेशन यानी रिहैबिलिट, डिटैच का मतलब होता है अलग करना, वैलिड का मतलब होता है सही। तो यहाँ पे डिफाइल इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि डिफाइल का मतलब होता है किसी चीज़ को इम्प्योर बनाना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच इज़ चूज द करेक्ट प्रपोजिशन फॉर द ब्लैंक गिवन बिलो। जो ये ब्लैंक दिया हुआ है इसमें सही प्रपोजिशन हमें लगानी है। क्वेश्चन है, शी हैड ग्रेट अफेक्शन डैश हर ग्रैंड चिल्ड्रन। ठीक है, तो ग्रैंड चिल्ड्रन के टूवर्ड्स एक अफेक्शन है, बट टूवर्ड्स यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, चार ऑप्शन हैं, विद इन, इन टू, अगेंस्ट, फॉर। तो इसको तो आप यहाँ पे एडजस्ट करके भी देख सकते हैं कि क्या सही लग रहा है। तो यहाँ पे विद इन हर ग्रैंड चिल्ड्रन ये तो हो नहीं सकता, इन टू हर ग्रैंड चिल्ड्रन, अगेंस्ट हर ग्रैंड चिल्ड्रन, तो सिर्फ ऑप्शन नंबर डी ही सही लगता है, विच इज फॉर, यानी कि शी हैड ग्रेट अफेक्शन फॉर हर ग्रैंड चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द ओल्ड मैन वॉज टायर्ड ऑफ वॉकिंग। द अंडरलाइंड वर्ड इन दिस सेंटेंस इज यूज्ड एज, ओल्ड मैन वॉज टायर्ड ऑफ वॉकिंग में वॉकिंग शब्द जो है वो क्या है, वो एक पार्टिसिपल है, वो एक जीरेंड है, नाउन है या एडवर्ब है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। रीज़न इसका ये है, ऑप्शन बी जीरेंड इसका आंसर होगा। जीरेंड क्या होता है, जब हम किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं तो वो जीरेंड बन जाता है। हालांकि वर्ब प्लस आईएनजी को पार्टिसिपल भी कहा जाता है, बट यहाँ पे ये जीरेंड होगा। रीज़न है इसकी पोजीशन, जब हम सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट की जगह वर्ब प्लस आईएनजी लगाते हैं, जब हम या तो सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट की जगह वर्ब प्लस आईएनजी लगाते हैं, तो फिर वो एक नाउन की तरह काम करता है और वो नाउन होता है जीरेंड। तो यहाँ पे जीरेंड होगा ये वॉकिंग। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूँ आई लव सिंगिंग, तो यहाँ पे सिंगिंग जो है एक जीरेंड है, ठीक है, अब वो वर्ब नहीं है, वर्ब तो लव है, ठीक है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है, उसके लिए हमें थोड़ा सा ग्रामर के बारे में पता होना चाहिए, ग्रामर के रूल्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन फ्रेजल वर्ब। जो अंडरलाइन फ्रेजल वर्ब है उसके हमें एक सही ऑप्शन उसके मीनिंग का चूज़ करना है। वी मस्ट कट डाउन एक्सपेंसेस और वी विल बी गेटिंग इन टू डेप्थ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शन हैं, रिड्यूस इन साइज और अमाउंट, यानी कट डाउन का मतलब क्या है यहाँ पे, कि हमें अपने एक्सपेंसेस को कट डाउन करना पड़ेगा, नहीं तो हम कर्जे में डूब जाएंगे, यानी डेप्थ हमारे ऊपर आ जाएगी। तो कट डाउन का क्या मतलब है, कट डाउन इज अ फ्रेजल वर्ब, इसका मीनिंग क्या है, रिड्यूस इन साइज और अमाउंट, एक्सपोज, अपीयर या राइज टू द सरफेस। तो हमें पता है कि एक्सपोज का मतलब होता है किसी चीज़ को सामने लाना, अपीयर का मतलब होता है सामने आना या दिखना, राइज टू द सरफेस का मतलब होता है सरफेस पे आना, और रिड्यूस इन साइज और अमाउंट का मतलब होता है कम करना किसी चीज़ को। तो यहाँ पे कट डाउन का मतलब कम करना ही तो होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, रिड्यूस इन अमाउंट और साइज।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड पिनेकल। पिनेकल का क्या सिनोनिम होगा? चार ऑप्शन है, पीक, पास, फुटहिल्स और डीप। तो पिनेकल का मतलब होता है चोटी, किसी भी चीज़ की चोटी है, किसी माउंटेन की चोटी है, किसी भी चीज़ की चोटी को हम पिनेकल बोलते हैं, यानी एज को। जैसे कि शी इज़ एट द पिनेकल ऑफ हर कैरियर, तो यहाँ पे वो अपने कैरियर के पिनेकल पर है, यानी कि बिल्कुल टॉप मोस्ट पॉइंट पर है ना। तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पीक। नेक्स्ट आता है, इट इज़ हाफ पास्ट सेवन डैश माई वॉच। ठीक है, तो यहाँ पे चार ऑप्शंस हैं हमारे पास, बाय, फ्रॉम, विद, ऑन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बाय, क्योंकि ये बोलते हैं व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच, है ना। जब भी टाइम की बात आती है तो वॉच और टाइम की बात आती है तो बाय वहाँ पे लगाते हैं, व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच, या फिर अगर हम टाइम बता रहे हैं तो दिस इज़ द टाइम बाय माई वॉच, तो बाय यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोवाइड द अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग फ्रॉम द सेंटेंस गिवन बिलो। इस सेंटेंस के लिए क्वेश्चन टैग हमें प्रोवाइड करना है, शी डज मोस्ट ऑफ द वर्क, शी डज मोस्ट ऑफ द वर्क। तो अब हम इसमें चारों ऑप्शन में से क्वेश्चन टैग करना है, मस्ट नॉट शी, शुड शी, डज शी या डज नॉट शी। जैसे हम बोलते हैं उसने सारा काम खत्म कर लिया, क्या उसने किया, है ना, इस तरीके से हम करते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमें बताना है कौन सा ऑप्शन हो। सो यहाँ पे डज अगर लग गया तो यहाँ पे दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, या तो डज शी होगा या डज नॉट शी होगा। ठीक है, तो हम इसमें से बताना है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, सी नहीं होगा, डी होगा, डज नॉट शी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रॉबर्ट टिप टो टूवर्ड्स द लॉकर डैश वॉक द गार्ड। जो रॉबर है या जो लुटेरा है वो लॉकर की तरफ धीरे धीरे जा रहा है, ताकि ऐसा ना हो कि जो गार्ड है वो उठ जाए, यही तो इस सेंटेंस का मतलब है। तो यहाँ पे हमें चार ऑप्शंस में से चूज करना है कि इस ब्लैंक में क्या आना चाहिए। तो यहाँ पे चार ऑप्शंस है, लेस्ट, अलोंग, बिसाइड्स, फ्रॉम। तो जैसे कि हमें इससे पता चल रहा है, लेस्ट का मतलब भी यही होता है, ऐसा ना हो कि जो गार्ड है वो उठ जाए, तो यहाँ पे लेस्ट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिस टाइम टुमारो आई डैश ऑन द क्रिकेट फील्ड, यानी इस टाइम पर कल मैं क्रिकेट खेल रहा होऊंगा या खेल रही होंगी, है ना। तो आई वुड प्ले ऑन द क्रिकेट फील्ड, या आई प्लेड ऑन द क्रिकेट फील्ड, या आई प्ले ऑन द क्रिकेट फील्ड, या आई विल बी प्लेइंग ऑन द क्रिकेट फील्ड। तो जब हम कल की बात कर रहे हैं तो दिस इज़ अ फ्यूचर टेंस, ये एक फ्यूचर टेंस है। हम बात कर रहे हैं अगर कल की, तो कल क्या है, फ्यूचर टेंस है, तो फ्यूचर टेंस में तो विल ही आता है, तो इसका आंसर क्या होगा, विल बी प्लेइंग, दिस टाइम टुमारो आई विल बी प्लेइंग ऑन द क्रिकेट फील्ड, इस टाइम कल मैं क्रिकेट फील्ड पर खेल रही होंगी। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस गिवन बिलो। जो ये सेंटेंस दिया हुआ है इसका करेक्ट सिनोनिम हमें यहाँ पे चूज करना है। शी इज़ अ सेवियर ऑफ द डेस्टिट्यूट, वो डेस्टिट्यूट की सेवियर है। डेस्टिट्यूट का क्या मतलब होता है पहले तो ये पता होना चाहिए, देन वी कैन चूज अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस। यहाँ पे चार ऑप्शंस है, इम्पॉवरिश्ड, वेल्दी, क्रिमिलियर, डिससेटिस्फाइड। देखिए वेल्दी का मतलब हमें पता चल रहा है जिनके पास बहुत धन हो, तो अगर जिनके पास पहले से ही धन है तो वो उनकी कैसे सेवियर बन सकती है, ठीक है। क्रीमी लेयर भी वही होते हैं जिनके पास बहुत मनी हो। डिससेटिस्फाई वो होते हैं जो सेटिस्फाई ना हो किसी चीज़ से, एंड इम्पवरिश्ड अब हमें नहीं पता नॉर्मली, तो अब इम्पवरिश्ड और डिससेटिस्फाइड में से एक ऑप्शन हमें ठीक लगेगा। तो यहाँ पे इम्पवरिश्ड का मतलब होता है जो लोग गरीब होते हैं, जिनके पास पैसे की कमी होती है, तो यहाँ पर इसका आंसर यही होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा, इम्पवरिश्ड, मतलब शी इज़ अ सेवियर ऑफ द इम्पवरिश्ड, वो गरीबों की सेवियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माय पपी डिसलाइक्स डैश अ बाथ। मेरे पपी को नहाना पसंद नहीं है, ठीक है। माय पपी डिसलाइक्स टू टेकिंग अ बाथ, टू टेक अ बाथ, टेक अ बाथ या टेकिंग अ बाथ। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा टेकिंग अ बाथ, माय पपी डिसलाइक्स टेकिंग अ बाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेलफेयर स्कीम किंडल्ड द होप अमंग डिप्राइव्ड। वेलफेयर स्कीम एक होप लेकर आई डिप्राइव्ड के मन में, यानी डिप्राइव्ड मतलब कि जो कि जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास सुविधाएं नहीं हैं, ठीक है। तो किंडल्ड का क्या मतलब है, देखो जब कहते हैं होप यानी आशा की किरण, तो आशा की किरण क्या होती है, जलती है आशा की किरण, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शन है, इग्नाइटेड, सोर्ड, डेसीमेटेड, रिएक्टेड। तो यहाँ पे हमें आराम से पता चल रहा है इसका आंसर क्या होगा, इग्नाइटेड। इग्नाइटेड का मतलब होता है जलाना, प्रज्वलित करना, तो होप को प्रज्वलित करना, यानी आशा की किरण को प्रज्वलित कर दिया वहाँ पर, है ना,
वेलफेयर स्कीम ने, तो ये इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से ये कुछ क्वेश्चंस थे पार्ट ए इंग्लिश के। आगे और भी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस हम डिस्कस करते रहेंगे, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और एप्लीकेबल को सब्सक्राइब करें।